नेपा नगर थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले हुए बुलंद। क्षेत्र में एक बार फिर हुआ चोर गिरोह का सक्रिय। कुछ दिन पहले बड़ी मशक्कत के बाद डकैती की गुत्थी सुलझा पाई नेपा नगर पुलिस के लिए फिर एक नई बड़ी चोरी का मामला सामने आया है, जहां लगातार हो रही चोरी और लूट डकैती की वारदात जैसी घटनाएं पूरे नगर के लोगों में दहशत का माहौल बनी हुई है। ताज़ा मामला नेपा नगर की रिहायशी कॉलोनी एकता नगर इलाके से सामने आया, जहां एकता नगर इलाके में दिन दहाड़े हुई लाखों की चोरी ने पुलिस की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। जहां नगर के शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षिका के मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। घर में रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर सहित हजारों रुपए नकदी पर चोरों ने हाथ साफ किया। स्कूल से घर गई तो घर में ताला टूटा हुआ पड़ा था। फिर मैंने पड़ोसी पड़ोसियों को बुलाया और सबको बताया कि ये ऐसी कंडीशन है। तो फिर सब लोग आए, फिर हम लोग ने 100 डायल किया और फिर उन लोगों ने आके दरवाज़ा खोला और देखा तो दोनों अलमारियों के लॉकर्स टूटे हुए रखे थे। उसको काट दिया गया था लॉकर्स को चाबी नहीं मिलने पर, और घर में रखा गोल्ड और उसके बर्तन, चांदी के बर्तन और प्लेटिनम का एक सेट था मेरे पास, वो और केश। रजनी राउत, पिता श्री पंजाब राव राउत, 46 एकता नगर के, ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भवानी नगर में उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर पदस्थ है। सुबह 11 बजे घर में ताला लगा के स्कूल गई थी, शाम को 5 बजे वापस आई तो उसके दरवाजे की कुंडी लगी हुई थी,